हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बॉलीवुड क्रेजी न्यूज। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा कार्तिक और नायरा का मिलन। तो दोस्तों जल्दी दोनों का मिलन होगा और जल्दी दोनों साथ में भी आ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उससे पहले कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न आप सभी को देखने होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कार्तिक और नायरा की जिंदगी में आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा। जैसे कि हाल ही में शो का प्रोमो रिलीज हुआ है और आप सभी ने देखा होगा कि कैसे कार्तिक और वैदिका की शादी के बीच में नायरा आ जाती है, जिसे देखने के बाद सभी को ऐसा ही लग रहा होगा कि नायरा इस वजह से वापस आई है ताकि वो वैदिका और कार्तिक की शादी को तोड़वा पाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नायरा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वो कार्तिक और वैदिका की शादी तोड़वाने के लिए वापस नहीं आई है, किसी और रीजन की वजह से वो वापस आई है। कौन सा है वो रीजन, चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कायरा की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर चाहते हैं जल्द से जल्द कायरा की सर्जरी हो जाए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कायरा अपनी माँ से जिद करेगा कि वो सर्जरी से पहले अपने माँ बाप को एक साथ देखना चाहता है और इसी वजह से कायरा की बात नायरा मानेगी और गोयनका हाउस जाने का फैसला करेगी। दोस्तों जो आपने प्रोमो में देखा उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि नायरा कार्तिक और वैदिका की शादी को तोड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से आई थी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या होगा सबका रिएक्शन। सीधी सी बात है कि कार्तिक वैदिका से शादी तोड़ देगा क्योंकि उसकी नायरा उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। तो आप कमेंट करके बताएं आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टेलीविजन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक के पहुँचे सबसे पहले।